दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ चल रहा है, जिसका आज तीसरा दिन है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इवेंट को संबोधित करने वाले हैं। इसको लेकर पीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि स्टार्टअप की दुनिया में भारत की प्रगति पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व रही है। बता दें कि भारत इनोवेक्स की थीम पर आयोजित कार्यक्रम में 2000 से ज्यादा स्टार्टअप और 1000 से ज्यादा निवेशक शामिल हैं। लोकसभा चुनाव का पहला चरण 19 अप्रैल को है। इसके लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया जारी है। 27 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। पेपर की जांच 28 मार्च को की जाएगी और उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 30 मार्च है। पहले फेज में तमिलनाडु की 29, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड, असम और महाराष्ट्र की 5-5, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय की 2-2 और छत्तीसगढ़, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और पुदुचेरी में एक एक सीटों पर वोटिंग है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर सकती है, जिसमें 60 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो सकता है। वहीं इससे पहले कल पार्टी की चुनाव समिति ने 8 राज्यों पर चर्चा की, तो कल भी कांग्रेस की अहम बैठक है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात पर चर्चा होगी। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार का कैबिनेट विस्तार हुआ। कैबिनेट में 8 नए चेहरों को जगह मिली। बीजेपी के विधायक कमल गुप्ता ने मंत्री पद की शपथ ली, तो वहीं बाकी के 7 मंत्रियों को राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। कैबिनेट विस्तार में अनिल विज को जगह नहीं मिल सकी। बता दें कि अनिल विज मनोहर लाल खट्टर की सरकार में गृह मंत्री रह चुके हैं। दिल्ली शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें सीएम केजरीवाल ने ईडी के सभी समन को चुनौती दी है। कोर्ट की डिवीजन बेंच आज इस मामले पर सुनवाई करेगी। बता दें कि ईडी ने केजरीवाल को कल फिर पूछताछ के लिए बुलाया है।